सेशन टू में हमने ये अवार्ड डिस्कस किए 1, 2, 3. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट अवार्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट. इंट्रोवर्ट आप जान चुके हैं अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी एंड एम्बिवर्ट उभयमुखी. तो सबसे पहले हमने यहां लिया वर्ड एमबी वर्ड. अब इस वर्ड को लेके देखते हैं इसकी रूट्स से कौन से आगे इससे मिलते जुलते वर्ड्स हम बना सकते हैं या बन सकते हैं. जो एमबी वर्ड है ये इसमें देखें हम जो यहां रूट है इसकी वो एमबी है और एमबी का मतलब क्या है बोथ. अब यहां जो एमबी वर्ड है इस एमबी वर्ड से बनने वाला एक दूसरा वर्ड है एमबी डेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस जो वर्ड बना है ये कहां से आया. एमबी तो आपको समझ में आया लेकिन ये नई चीज आ गई डेक्स्ट्रस. ये डेक्स्ट्रस कहां से आया. ये जो डेक्स्ट्रस है ये जो वर्ड बना हुआ है ये बना है डेक्स्टर से. और डेक्स्टर क्या है अभी क्लियर हो जाएगा आपको. जो डेक्स्टर है ये एक लेटिन वर्ड है एल्फोर लेटिन और जिसका मीनिंग होता है राइट हैंड. राइट हैंड दाहिना हाथ. अब जो दाहिना हाथ है डेक्स्टर, डेक्स्टर लेटिन वर्ड जिसका मीनिंग राइट हैंड. इस डेक्स्टर से बना हमारे पास डेक्स्ट्रस. और डेक्स्ट्रस क्या होता है राइट हैंडेड मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कुशल हो यानी स्किल्ड और एक्सपर्ट. बात क्लियर हुई. तो डेक्स्ट्रस क्या है एक ऐसा व्यक्ति है जो स्किल्ड है जो कुशल है जो अपने काम में एक्सपर्ट है. क्योंकि दाया हाथ हमारा क्या होता है एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्टनेस का सिंबल होता है. तो डेक्स्टर से बना डेक्स्ट्रस क्लियर हुआ. और डेक्स्ट्रस से बना एमबी डेक्स्ट्रस. एमबी प्लस डेक्स्ट्रस इक्वल टू एमबी डेक्स्ट्रस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज करता है. एमबी डेक्स्ट्रस अ पर्सन हु इज एबल टू राइट विद हिज बोथ हैंड्स इक्वली. अब एमबी डेक्स्ट्रस का नाम आते ही एक कैरेक्टर दिमाग में मेरे आता है. थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी होगी और उसमें जो प्रोफेसर है वो क्या है वायरस जिसका नाम है वो देखा होगा बच्चों दोनों हाथों से लिखता है. तो वो कैसा व्यक्ति है ही इज एमबी डेक्स्ट्रस. क्लियर एमबी डेक्स्ट्रस क्लियर हुआ आपको. डेक्स्ट्रस से एमबी डेक्स्ट्रस से डेक्स्ट्रस क्लियर हुआ. और डेक्स्टर कहां से आया डेक्स्ट्रस डेक्स्टर से आया. इसमें स्पेलिंग का और ध्यान रखें जो एमबी डेक्स्ट्रस है उसमें टी आर है यहां पर स्पेलिंग में और यहां जो डेक्स्टर है डेक्स्ट्रस है इसमें टी ई आर है. इस स्पेलिंग को भी ध्यान रखें ताकि आप इसको गलत ना करें. जो डेक्स्ट्रस है डेक्स्ट्रस की जो नाउन फॉर्म है वो वर्ड आता है डेक्स्ट्रिटी. यानी डेक्स्ट्रिटी क्या हो गई स्किल. कोई कुशलता. क्लियर यहां तक कोई डाउट. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं. देखिए हमने यहां वर्ड लिखा एक डेक्स्टर. और डेक्स्टर क्या लिखा हमने डेक्स्टर जो कैसा वर्ड है हमारे पास डेक्स्टर का मीनिंग है हमारे पास राइट हैंड मीन्स दाहिना हाथ. अब अगर हम बात करें कि ये दाहिना हाथ है तो उल्टा हाथ कौन सा है बाया हाथ कौन सा है. बाया हाथ है सिनिस्टर. ये जो सिनिस्टर है ये भी लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड. और लेफ्ट हैंड क्या होता है लेफ्ट हैंड हमेशा से ईविल का प्रतीक होता है. ईविल मीन्स बुराई का प्रतीक होता है. तो सिनिस्टर का यहां मीनिंग क्या सॉरी सिनिस्टर का मीनिंग क्या हुआ ईविल थ्रेटनिंग और डेंजरस. क्लियर यहां पे देखें यहां राइट हैंड डेक्स्टर और सिनिस्टर क्या हो गया लेफ्ट हैंड. एनी डाउट नो डाउट.
अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं, जब हैंड्स की बात हो रही है तो हम देखते हैं जो हैंड्स है, हैंड्स में राइट और लेफ्ट की बात है, तो राइट और लेफ्ट में और क्या वो पॉसिबल हो सकते हैं और उनको हम किस तरह और आगे देख सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में राइट हैंड के लिए दूसरा वर्ड आता है एक, और वो होता है ड्रॉइट। ड्रॉइट और ड्रॉइट मीन्स होता है राइट हैंड। क्लियर फ्रेंड्स, इस ड्रॉइट से बनने वाला एक शब्द है एड्रॉइट, और एड्रॉइट का मीनिंग क्या हुआ? एड्रॉइट का मीनिंग हुआ एक्सपर्ट, स्किल्ड। क्लियर, एक्सपर्ट और स्किल्ड। ड्रॉइट से एक नाउन बनती है एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस। ये क्या हो गई? कुशलता यानी स्किल। क्लियर, तो ये दोनों वर्ड एड्रॉइट और एड्रॉइटनेस कहां से आए फ्रेंड्स? ये आए ड्रॉइट से, और ड्रॉइट का मतलब है राइट हैंड। कौन सी लैंग्वेज में है? फ्रेंच लैंग्वेज में। यहां को आप चाहें तो लिख सकते हैं एफ। क्लियर, अब इसके बाद अब फ्रेंच में अगर ड्रॉइट है तो फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वर्ड आता है वो मैं बताता हूं आपको। वो आता है गॉश। गॉश, गॉश क्या है? गॉश का मीनिंग है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड किसका प्रतीक है? इविल। मीनिंग क्या हुआ गॉश का? जो मीनिंग ऊपर था लेफ्ट हैंड और इविल। गॉश से बनने वाला एक दूसरा शब्द है और वो है गौशरी। गौशरी, गौशरी क्या है? इविल। क्लियर, गौशरी मीन्स इविल। ये नाउन फॉर्म इसकी। अब यहां एक चीज आपने देखी, जो वर्ड्स हमने राइट हैंड पे लिखे हैं वो राइट हैंड के लिए यूज हो रहे हैं, और जो वर्ड्स यहां पे लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए हैं ये वर्ड्स लेफ्ट हैंड के लिए यूज हैं। क्लियर, एक बार और रिवाइज कराते हैं इनको। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या है बताइए? ऐसा व्यक्ति जो उभयमुखी हो। क्लियर, एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, मीन्स वायरस। डेक्स्ट्रस मीन्स एक्सपर्ट, कहां से आया? डेक्स्टर से, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, एंड लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर, और लेफ्ट हैंड क्या है? ऑकवर्डनेस, एविल का ये प्रतीक होता है। डेक्स्टर से दूसरा वर्ड बना डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी क्या है? स्किल, कुशलता, योग्यता किसी की। और इससे आगे हम बढ़े तो आगे हमें वर्ड मिला ड्रॉइट। ड्रॉइट क्या है? राइट हैंड। ड्रॉइट से बना एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स एक्सपर्ट और स्किल्ड। एड्रॉइट से बनने वाली नाउन क्या है? एड्रॉइटनेस मीन्स कुशलता। और इसका लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड के लिए फ्रेंच में गॉश और गॉशरी। तो इस तरह हमने देखा कि हमने जो सीखे ये वर्ड्स हमें आज सीखने को मिले। इनमें ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि वर्ड्स जो हैं जिन रूट से बने हुए हैं, रूट इनमें कम है लेकिन उनसे बनने वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। इट मीन्स आपने यहां देखा ये लगभग 10 मिनट की वीडियो, और इसमें आपने कई नए शब्द यहां सीख लिए। इसके बाद और आगे नए सेशन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।